शांत शांत हो जाओ द्रौपदी। सम्मान का प्रश्न तो पुरुषों से पूछा जाता है। ये पांचों के पांचों नपुंसक है, नपुंसक। कैसे नपुंसकों को अपना पति बना लिया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक काम करता हूं, मैं तुम्हें भी एक अवसर देता हूं। एक अवसर अपना सम्मान बचाने का। मुझे अपना लो द्रौपदी। मुझसे संबंध बनाओ तो मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। मुझसे संबंध बना लिया तो ना तो कोई तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देखेगा और ना ही मुख उठाकर कोई दासी कहेगा। द्रौपदी आकर मेरी चंगा में बैठो। पते आकर मेरी तंगा में बैठो। दुर्योधन, दुर्योधन, पांड पुत्र भीम, यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि संपूर्ण भूमि सदियों तक कांप उठेगी। मैं तुम्हारी यही जंगल तोड़कर तुम्हारा प्राण ले लूंगा दुर्योधन। यह मेरा प्राण है, यह मेरा प्राण है, यह मेरा प्राण है। इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता पांचाली। तुम दुर्योधन की दासी हो और तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। आओ दासी द्रौपदी,
अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो। आओ। मैं यज्ञ की अग्नि से जन्मी यज्ञ सेनी हूँ दुर्योधन, और अग्नि की ताप को बांधा नहीं जा सकता। मैं दासी नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, और मैं अभी इसी क्षण इस राजसभा का तिरस्कार करती हूँ। दासी आपका और मेरा अपमान करके इस सभा से जा रही है, क्या इसे दंड देने का अधिकार है मुझे? द्रौपदी, यदि तुमने दुर्योधन की आज्ञा नहीं मानी तो तुम दंड की पात्र होगी। यज्ञ की अग्नि का अधिकार, अब भी मुझ पर मेरे पिता का अधिकार है। पांडव भले ही अपनी पत्नी को हार गए हो, परंतु द्रौपदी अब भी स्वतंत्र। जब तक मन से स्वतंत्रता का मान नहीं जाता, तब तक दासत्व का भान नहीं होता। तो फिर छीन लो इसका। वस्त्र हरण करो इस दासी का।